कराची वाटर एंड सर्विस बोर्ड लेबर फ्रंट के जेर एहतमाम चेयरमैन सैयद इरशाद कामी और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कय्यूम खान की क्यादत में वाटर बोर्ड हेड ऑफिस पर करप्ट अफसरान के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में ऐलान किया गया कि तंग आमद बजंग आमद, आखिर लेबर फ्रंट ने इंतजामिया की मुसलसल बेहिसी और इदारे को तहफ़ देने के लिए और निचकारी के अमल को रोकने के लिए ये मुजाहरा किया है। नदीम किरमानी को वहाँ इंजीनियरिंग का बंदा था, उसको टैक्स में लगाया गया, करोड़ों रुपए इधर से उधर जा रहे हैं। उसको हमने बताया, पॉइंट आउट किया इंतजामिया को, इस मौजूदा एमडी को भी, इससे पहले एमडी को भी तमाम। लेकिन होता पता है क्या है, जब वो अपना पेट भरेगा और बकौल उसके ऊपर पहुंचा रहा है पैसे, तो फिर वो रिकवरी कहाँ से आएगी। मैं जानता हूं कि अगर टैक्स के सही कंपिटेंट बहुत भरे हुए हैं टैक्स ऑफिसर, इनकी अगर तैनाती की जाए तो यकीनी तौर पे रिकवरी कई गुना बढ़ सकती है। एक और पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं, एडहॉक मुलाजमीन के बारे में इन्होंने बार बार वादे किए हमसे, हद ये है कि मौजूदा एमडी साहब ने भी लॉ ऑफिसर को भी, डायरेक्टर लॉ को भी बुला लिया, कहा कि साहब ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन वो मसला अगर जूं का तू है तो मैं आपके तवसुल से एमडी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वक्त अभी गया नहीं है, लेकिन जब खुद सोजी और इस तक नौबत आ जाए तो न आपका तख्त रहेगा और फिर सिर्फ तख्ता ही तख्ता होगा। इस तख्ते का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि वाटर बोर्ड को हम तबाह नहीं होने देंगे। जबकि जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कय्यूम खान का कहना है कि एमडी वाटर बोर्ड अपना किरदार अदा करने के बजाय करप्ट अफसरान की सरपरस्ती कर रहे हैं। एक चीज मैं खास तौर पे कहूँ कि पिछला हमारा एक मुजाहरा था, उसके बाद एक ऑफिसर एसोसिएशन थी, उनके एक नाम नेहाद सदर भी बने हुए हैं, जिन्होंने हमारे खिलाफ मुजाहरे का ऐलान कर दिया था। क्या एसोसिएशन को एहतजाज का हक हासिल है? आप इंतजामियों हमारे अफसर हो, अगर आप ये तफरीक पैदा कर दोगे कि मजदूर अलग और अफसर अलग, तो मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप हमें हुक्म देते हो, हम आपका हुक्म बजा लाते हैं। जब आप हमारे सामने पार्टी बन जाओगे तो फिर पार्टी का तो हुक्म नहीं मानेंगे ना। चार मुतालबे चार साल हो गए, मेडिकल का निज़ाम ठीक नहीं हो रहा एमडी साहब आपसे, फाइनेंस का निज़ाम ठीक नहीं हो रहा आपसे, आज हमारा मजदूर जो है खुदकशी करने पर मजबूर है, उसके पैसे नहीं दिए जा रहे, लोग मर गए, जो मर गए उनका तो कोई पूछ ही नहीं रहा, उनके चेक तो दबा लिए इन्होंने, और ये सारी नलाई की एमडी वाटर बोर्ड की है, सरपरस्ती उनकी है। आप लॉलीपॉप देते हो, जाते हैं एक काम दो काम, क्या क्या करते हो आप? आप ये होते हो, ओवर टाइम नहीं मिल रहा मजदूर को। कल भी एक आदमी मेहरान टाउन में जो है नाले में गिर गया, बाहर से आपने बुलाया, तो आप उन लोगों को बुलाओ, वो कहाँ है जो लोग जो अभी भर्ती हुए हैं। जबकि इस हवाले से सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी जुनैद खान ने बताया कि डीपीसी 2012 जिसके अंदर बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं, और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं डीपीसी 2012 के जो अपनी पोस्टों के ऊपर तनख्वाहें ले रहे हैं। तो हमारा सवाल ये है कि अगर डीपीसी 2012 गैरकानूनी थी तो वो लोग आज तक अपनी सीटों पर कैसे बैठे हुए हैं, और उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है? तो हम उम्मीद करते हैं चेयरमैन नासिर हुसैन शाह साहब से, एमडी वाटर बोर्ड साहब से, कि आप इन मामलों के ऊपर तवज्जो देंगे। और हमारा एक और सवाल है कि घोस्ट एम्प्लाई केस के अंदर सजा याफ्ता एक अफसर को आपने एक इंतहाई अहम सीट के ऊपर बिठाला हुआ है, तो लेबर फ्रंट मुतालबा करती है कि उसको फौरी तौर पे डीसीट किया जाए, उनको बरतरफ किया जाए। वाटर बोर्ड लेबर फ्रंट यूनियन ने मुतालबा किया है कि बाहर से भर्ती फौरी तौर पर बंद की जाए और खाली आसामियों पर मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती किया जाए, ताकि वाटर बोर्ड में होने वाली खलफशार को रोका जा सके। कैमरामैन रियाज ख्वाजा के साथ नदीम सिद्दीकी, M7 City News, कराची।